जिला कलेक्टर के गुरुवार को ब्यावर आगमन पर ज्ञापनों की झड़ी लग गई। इस दौरान विभिन्न संगठनों सहित समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए समस्या समाधान की मांग की। जिला कलेक्टर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के दौरान देलवाड़ा के पूर्व सरपंच पप्पू काठात ने मुलाकात कर बताया कि ग्राम पंचायतों में 200 मीटर की परिधि में स्थित आबादी भूमि के बापी पट्टे जारी नहीं किए जाने के आदेशों के कारण सरपंचों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिला कलेक्टर ने सरपंचों द्वारा ऐसी भूमि का पट्टा 157 के तहत जारी करने की बात कही, साथ ही शीघ्र ही इस प्रकार के आदेश सर्कुलेट करने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में एक पहल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी जिला कलेक्टर को एक पत्र देकर शहर के उदयपुर रोड स्थित कृषि मंडी परिसर में खानाबदोश परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में लिए जा रहे स्थान के लिए स्थायी आदेश जारी करने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से इन परिवारों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई स्थायी आदेश नहीं होने के कारण मंडी प्रशासन इन बच्चों को अन्यत्र पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कृषि मंडी परिसर में स्थित स्थान पर पढ़ाई करवाने के स्थायी आदेश मंडी प्रशासन के नाम जारी किए जावे, ताकि बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जा सके। प्रजापति समाज ब्यावर के पदाधिकारियों ने भी जिला कलेक्टर अंशदीप को एक ज्ञापन देकर वार्ड 49-28 के मध्य स्थित समाज के नवनिर्माणाधीन भवन के पास सार्वजनिक शौचालय के पास नगर परिषद प्रशासन द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर को निरस्त करवाने की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण करवाया जाएगा, वह प्रजापति समाज के भवन में आने जाने का रास्ता है। अगर यहां पर भवन का निर्माण होगा तो भवन में आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अतः नगर परिषद की ओर से जारी किए गए टेंडर को निरस्त करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 12 के पार्षद रवि चौहान ने भी जिला कलेक्टर को एक पत्र देकर शहर में तहसील से बस स्टैंड की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़े होने वाली हाथ ठेलों को हटाने की मांग की है। पार्षद चौहान ने बताया कि उक्त मार्ग पहले से ही सकरा है और यहां पर सब्जी तथा फल बेचने के लिए खड़े होने वाले हाथ ठेलों के कारण राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्षद चौहान ने बताया कि नगर परिषद द्वारा भी यह मार्ग हाथ ठेले वालों को उपलब्ध नहीं करवाया गया है, बावजूद इसके यह हाथ ठेले वाले यहां पर खड़े हो रहे हैं। अतः आमजन की समस्या को देखते हुए उक्त मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जावे। सरजीत ग्राम पंचायत लसाड़िया में और पंचायत समिति जेवाजा में 46 ग्राम पंचायत में एक प्रॉब्लम हो रही है साहब, जो 200 मीटर और 500 मीटर के अवधि में जो आबादी हुई है नहीं, उसमें बोले भाई कि बापी पट्टा नहीं दिया जाएगा। तो आज हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं साहब, आप 157 के तहत पट्टा जारी कर सकते हो। तो हमने मार्गदर्शन मांगा है, तो मार्गदर्शन भी कलेक्टर साहब ने बोला भाई 2-4 दिन में आपके पास भिजवा देंगे। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बोला भाई आपके हो जाएगा ये काम। बाकी हम 6 महीने से परेशान थे, 6 महीने से सचिव के पास जाते, सचिव साहब कहते साहब इसके तहत अपन पट्टा नहीं जारी कर सकते। ग्राम पंचायत लसाड़िया में भी हमारी लसाड़िया की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेरा पेरी में है। इसलिए हमारी एक समस्या थी, जो तहसील मार्ग होते हुए अमला मार्ग आता है, जो बस स्टैंड का मुख्य मार्ग है, उस समय जो थैलों का, जो सब्जी वालों को थैलों का जो अतिक्रमण है, इतना अतिक्रमण है कि वहां से निकलना भी दुर्भर हो रहा है। आसपास शहरवासी क्षेत्रवासी रह रहे हैं, उनको आने जाने में समस्या हो रही है, इनके घर में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आसपास के जो मौत मरघट भी हो जाती है, तो कुछ देने पर मौत हुई थी वहाँ पे, ठेले वाले हटने को वहाँ से तैयार नहीं है, ये तो हमारी जगह है। ऐसे में पूरे क्षेत्रवासी आए हैं, सब परेशान होके आए हैं कि भाई अब यहाँ से वेंडिंग हटाया जाए, ठेलों को हटाया जाए।